आज हम फ्रेम करने लगे हैं जाल के लिए पेंट सही कैमरे में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ना फ्रेम ये वाले ये पेंट करेंगे, हम निकाल रहे हैं इसको बाहर, कूलर शूलर साइड में कर लिया, हम निकाल लेंगे। ये निकला है और सामान भी निकला है। हम इसको आज पेंट करेंगे। आज हमने ऊपर डैडी कबूतरों के लिए ये फ्रेम लगाने हैं जाल के अंदर ही, जाल के अंदर लगाएंगे फ्रेम। आज ये भाई ये बेटा आज सुबह को उठा हुआ है माशाल्लाह 7 बजे का, और मामा जी को यही टाइम कहा था कि 7 बजे उठ जाना, हम टाइम से काम करेंगे। तो आ जाएगा डिटेल्स देख के। सर्दियों में दिन जो है ना छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। तो 11 बज चुके हैं, अभी मैं उठा हूँ, लड़का सुबह का उठा हुआ है 7 बजे का, 7 बजे का उठा हुआ है। आज हम जाल को इसको पेंट करेंगे फ्रेम, वो 3 2 बल्ले वो हैं, 2 ये है, ये जो ज्वाइन किया हुआ है, इसको पेंट करके ऊपर जाल में ना, ये देखें अगले ले आप ये 2 बल्ले ये हैं, 2 ये हैं, 4 फ्रेम है। निकालो ये हम फ्रेम को पेंट, इसको पेंट, ये है 6 फुट का फ्रेम है, ये हम जाल में लगाएंगे। जाल की जो पार्टीशन है कबूतरों की अंदर से, उनके लिए ये इस्तेमाल करेंगे आज। आज मैंने जल्दी उठना था, लेट हो गए हैं, 11 बज चुके हैं, लड़का सुबह 7 बजे का उठा हुआ बेचारा, मेरा वेट करता रहा, मैं सुबह सोता ही लेट हूँ ज़रा, रात सुबह के टाइम तो सोया हूँ, तहज्जुद के टाइम, यही रूटीन होती है सुबह उठा, इसलिए नहीं जाता। ये आज हम इसकी पूरी A1 ज़बरदस्त से काम करेंगे आज। ये देखें ये फ्रेम, ये देखो यार कितना गंद पड़ा हुआ है, ये देखो बटेरा, एक ये मरा हुआ, एक इधर मरा हुआ है, ये देखें, ये सील मुर्गे के काम है। ये हम पेंट करने लगे हैं, ठीक है, पेंट बड़े दिनों से लेके आया हूँ, ये एक ये कलर है डब्बा, एक ये डब्बा है, इसको खोल के पेंट करेंगे, मिट्टी का तेल और वो भी आ गया, फिर डब्बे में हम इसको डालेंगे, जैसे हम पहले करते रहे हैं काम, पहली वीडियो में आप देख सकते हैं, ये चीज़ों का लाजिम है। ये पेंट के डब्बे में लेके आया था, कोई आज हो गए हैं कोई 3 4 महीने, 3 महीने तो हो ही गए हैं ना, 3 महीने हो गए। तू भी ज़रा कैमरे जा, ज़रा थोड़ा फेमस हो, दुनिया तेन भी लाइक पसंद करे कि मुंडा सोहना है। यह डब्बे का हाल वेक ही हो गया, उफ ये क्या हाल हो गया डब्बे का, साइड पर बड़ा रहा है, ए इतना बुरा हाल हो गया, वो तो फिर भी ठीक है, अच्छा वो नीचे पड़ा रहा है ना रूम में, ये छत पे पड़ा था, रंग ही बदल गया होता सारा ही। लगा शहजादे जोर लगा, लो लो जोर लगा, ले रे लगा ले, शाबाश, ओए अंदर तो सही है, डंडा ले गया एक डंडा, भाई लोगों को भी शो करवाए कि काम कैसे होते हैं। स्प्राइट की बोतल नहीं गई पाए ना, मिट्टी का तेल ही बोतल है, ये मिट्टी का तेल दिया उसने, कितने का दिया ना ऑयल ये वाला, हाँ ये 180 का, 180 रुपये का, ये 180 का मिट्टी का तेल आया, ये देख लें 1/2 लीटर बोतल है। और ये ब्रश कितने का दिया है, 80 का ही ब्रश आया, ठीक है। पेंट मेरे पास पहले पड़ा था, ओए वो दूसरा छोटा डंडा नहीं है, तोड़ ला ये चीज़, ओ डंडा मार ब्रीक वाला, ब्रीक साइड मार कोई ज़्यादा, चल ठीक है मार फिर। हम इसको पहले ना, क्योंकि ये पेंट काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, इसको पहले ऐसे ये मिक्स करेंगे, ठीक है,
और ये जिसमें डालना वो बर्तन साफ हो। ये चीज रेड हो रहा है, रेड हो गया, देखा रेड कलर है ये। बाहर से तो इसकी हालत ही बुरी हो गई यार, ये काफ़ी पुराना रखा हुआ था लेकिन छत पे पड़ा था। वो जो है ये नीचे रखा था रूम में। हाँ सही हो गया ना, ये तभी कर लेते। खैर टाइम नहीं मिला यार, टाइम क्या मिलना है, वो बस आलकसी। वीडियो भी करी मैं रोज़ रोज़ लोड करना, कभी कभी तो शुगल करना होता है। रंग लग गया ये देखो ना, नवे फ्रेम ही गए थी यार। खोया ये कलर था इसका है, तो ये हाल हो गया पेंट ना करने की वजह से। जाली देखें कितनी मोटी लगाई हुई है, 14 गेज की जाली है ये, 14 गेज की। और ये पाइप 16 गेज का है, 16 गेज का पाइप लिया था और ये फ्रेम तैयार किए थे। ये 4 फ्रेम है टोटल। चलो जी, कितना डलेगा ये रंग? इतना बहुत है। हाँ बस ठीक है ठीक है, इसको डंडे से साफ कर लेना ये चीज़, ताकि नीचे ना गिरे उधर छत की पेंट शेंट का निशान ना हो। बट ठीक है, तो इतनी भी कंजूसी नहीं है, ठीक है। चलो बहुत रंग हूँ, स्प्राइट की बोतल पा। मैंने बहुत प्यास लगी, सर्दियों की प्यास लगती रंग में। वाह वाह वाह, बस क्या कर दिया, इतना ज़्यादा डाल दिया। चलो रेड कलर करने लगे हम, रेड यू नो, लाल रंग डालो, लाल। ज़्यादा पतला नहीं हो गया? सही है, थोड़ा सा डाल दे, पेंट देख लो डालना है तो डाल लो। फ्रेम आगे पीछे करके हम करेंगे इसको, ये देखें पेंट। मुझे लग रहा पतला हो गया ज़्यादा है, डब्बे में ठीक है। चल ठीक है कर, फिर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, कर लेंगे फिर इसको। ये देखें डबल कोल लगा, हाँ डबल कोल ला देंगे। और डबल कोल ऐसे टाइम नहीं गया ना, दिन छोटे होते ना, तुम्हें पता सर्दियों। वो फ्रेम भी हमने पीछे रखे हैं ताकि पेंट अगर गिरे तो उसके ऊपर ही जाए। और यार हाल देखो क्या हो गया, ये कलर था जब मैंने तैयार करवाया था ये कलर, तो हूँ देखो कि हाल हो गया यार, रंग लग गया। 6-7 महीने हो गए हैं रेडी करवाए थे ये फ्रेम, और 3 महीने हो गए रंग रखा था, रंग करने का बस। अच्छा जाल में ये एक्स भी खोल के एक्स को भी करना है, देखते हैं अब आगे। टाइम 11 बज गए, इस टाइम का पता नहीं चलना, जितना काम आज हो सकेगा कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत लोगों ने यहाँ पे कबूतर रखे हुए हैं यार, हद है, इतना कबूतर की करना तुसी। जगह जगह कबूतर रखे हैं, ओए इधर बैठ गया, इधर बैठ गया, वो बैठ गई जाल में, बैठता बैठता। ये हम भाई जाल बना रहे थे, वो पेंट कर रहे हैं, ये देखो ज़रा पेंट हो चुका है तकरीबन, फाइनल पे है। वो देखें कबूतर बैठा हुआ है आगे, जाल पे बैठता बैठता इधर चला गया। उसने कहा है कि भाई इधर पेंट कर रहे ने, तो इन्होंने मैंने फाड़ लेना है। अब इसका चेहरा खूबसूरत इस तरफ है, मेरे जाल की तरफ। मैंने 2 कबूतर छोड़े हैं, पहले के छोड़े थे, अभी हम फाइनल हो रहा है बस। वो 2 बल्ले हो गए हैं, 2 ये रह गए, एक ये एक उधर का। ये हमारा साथ सेंडो है, ये जाल तैयार करता है, जाल को पेंट करता है, हर चीज़ इसके अंदर छाई है।
यही काम फिनिश करता है। आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो यही लगा हुआ है सारे काम शाम। ये फ्रेम वगैरह, ये दो क्या हाल है? ले भाई जन कबूतर ये छत पे बैठ गया मरी। ओए क्लियर क्या जोड़ा कहाँ गया? अब इसको पकड़ते हैं जाके, ये हम पेंट कर रहे थे। हाँ ये जाल कर रहे हैं, इसको पेंट शेंट कर रहे थे, अब इसको पकड़ते हैं। वो कोने में बैठा हुआ है। चलें जी, अब मोबाइल मैंने रख दिया, स्टिल वर्क हो रहा है। अब मैं इसको उठाता हूँ, खिड़की को उठा के, ये मैं खिड़की उठा रहा हूँ। अब ये देखें ज़रा, वो जो एल रॉड है ना, एल जिससे कबूतर पकड़ते हैं, वो अड़ गया उसके साथ, दूसरे के साथ खिड़की की ज्वाइन के साथ कहीं ना फंस गया था। अब ये देखें ज़रा, अब ये एकदम से झटका लगेगा खिड़की को, जिस वजह से कबूतर डर जाएंगे। ये देखें, लगा ना झटका, ये उड़ गया, वो रंग लगा, कबूतर उड़ गया। आधा यार ये क्या है, अब निकल गया भाई, ये वही जो सामने बैठा हुआ था। किधर गया? ले जी यार, ये लड़के ने बताया फिर आ गया कबूतर, ये देखें। ओहो उड़ गया था, अभी अजान होने लगी, अब जुमे का टाइम है, इसको पकड़ते हैं हम दोबारा से। ये देखें ये आ गया, ये वही है, फिर दोबारा से आ गया, उड़ गया था ये। तम तो बड़े है भी ड्राइवर भाई, ये कबूतर पकड़ लिया, बड़ा तेज है यार। ये हम छत पे आ गए हैं यार, डंडे नहीं, एक्स एक खोल ना है, इन्हों खोल के ना उपर लगाने, वो उपर ना यहाँ पे एक्स वाले डंडे फजूल ही हैं, ये चढ़ाने के लिए बस रखा था कि अब चढ़ गया खैर से जाल, उसको खोल के ना। ये देखें हमारी छत का व्यू कैसा है, ज़बरदस्त है कि नहीं, थले दुनिया वो तीसरी मंजिल से थले, ये चार मंजिल है हमारा, पाँच से ऊपर है, यहाँ पे जाल लगाते हैं अभी। लेके आओ कटर, किधर है, चलो काटो अब इसको। ये ना ये ज्वाइन एक ही होगा, एक ही ज्वाइन लगा है ना, दिखा जरा किधर है, एक नहीं है दो ज्वाइन लगे हैं भाई, डबल है। हाँ एक मिनट, बाहर ये जाल की कटिंग कर रहे हैं, ये भी हाँ देखो जो लगी हुई है ना उसको काटनी है। हो गया बस, ठीक है ओके। ये लो जी ये फ्री हो गया, इधर का अब करना है, उधर का दीवार के ऊपर चढ़ना पड़ेगा तुझे। दबा दिया,
काटा गया। चल ले वो दूसरा फिर बाद में लगाएंगे। ले आ ले आ ले आएगा ना। भाई जान ऐसे होते हैं काम, देखें कितने सख्त सख्त तरीन मेहनत। ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, नीचे ले गया थोड़ा सा ऐसे। ले आ ले आ ले आने दे आने दे, ज्वाइन ना तोड़ दी बस, आराम से आराम से ठहरा। एक मिनट एक मिनट, चल छोड़ छोड़, नीचे से पकड़ के रखी, चलो छोड़ दो। लो जी ये भी पल्ला आ गया ऊपर, ये भी आ गया, यहाँ पे फिट करना है इसको। ये हम मग इसका बड़ा कर देंगे, ऊंचा कर देंगे, ऊपर सारा जाल है हमारा। ये टैडी कबूतर ऊपर धूप वगैरह लग जाएगी इनको, टैडी कबूतरों को। ये मग हम बड़ा करने लगे हैं, ठीक है। ये पिंजरे का पेंट हो रहा है छोटे का, बाकी ऊपर फ्रेम लगा दिए। ये हमारे महाउस्ताद गुरु आ गए हैं, ये लगाएंगे बांस। ये देख रहे हैं ना बांस, ये मैंने खोल लिया ऊपर से, ये हम लगाएंगे ऊपर और टॉप पे अड्डा लगेगा वहाँ पे, ये बांस उधर लगेगा। ये पेंट हो रहा है, ये बांसों पे किल्ली लगाने का तरीका ये है। ये मिलेगी हार्डवेयर की शॉप से, ये हम घुमाएंगे इसको, ठीक है। पेचकस लगाया, ये इसको घुमाया, ठीक है। ये चीज ठीक है, ये हमारा लग जाएगा। ये अड्डा बन रहा है बांस का, ठीक है। ये जाल के साथ लगाएंगे हम। फाइनल कर लिया भाई, इसको पेंट करके फिट कर दिया, पल्ले इसके फिट कर दिए, ऊपर छत भी बना दी है। ये टैडियों का सेटअप है, यहाँ से ये जाएंगे इसके ऊपर ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर मग बन गया ना, ये मग बन गया, जैसे ऐसे आएंगे ऐसे ऊपर चढ़ेंगे। इधर मैं अभी लगानी है फटियाँ लगाता हूँ, ये चीज़ बन गई है, ये फ्रेम यहाँ पे फिट हो गए। एक ही वो कबूतर भी पकड़ा था जो, वो ये है।